आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम कहानियां विद शम्स में। संडे तक की मोहलत दी थी बंगाल की चीफ मिनिस्टर, पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कोलकाता पुलिस को कि आपके पास संडे तक का टाइम है, आप उस ट्रेनी जूनियर डॉक्टर जिनका कत्ल हुआ, कत्ल से पहले रेप हुआ, उस पर मामले की इन्वेस्टिगेशन और जाँच को पूरी कर लें, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर ये केस CBI को सौंप देंगे। बहुत सारी पिटीशन कोलकाता हाई कोर्ट में पहुंची और आजकल कोर्ट और पॉलिटिक्स और सरकार बड़ा चल रहा है। तो फिर कोलकाता हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि नहीं, जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, जिस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने खुद इस्तीफा दे दिया इस इंसिडेंट के बाद, उनको सरकार ने किसी और हॉस्पिटल का प्रिंसिपल बना दिया, कैसे क्यों? तो फिर कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा ना, कोलकाता पुलिस से ये केस वापस लीजिए और CBI को मैं सौंप रहा हूं, और हाई कोर्ट के आदेश से अब इस मामले की जांच CBI को सौंप दी गई है। 3 हफ्ते बाद इसकी दोबारा सुनवाई होगी। उसी CBI को यह केस सौंपा गया है। जिस CBI ने आरुषि केस को हैंडल किया, जिस CBI ने निठारी केस को हैंडल किया, जिस CBI ने रिजवानुर रहमान केस को हैंडल किया, जो कोलकाता में एक लक्स घराने की मामला था और मर्डर केस, जिस CBI ने सुशांत सिंह राजपूत के केस को हैंडल किया, और ये जो अभी तो 4 ही बानगी बताई आपको, इन केस का क्या हश्र हुआ है आप सब जानते हैं। अब वही CBI इस मामले की जांच करेगी, तो ऊपर वाला खैर करे कि इस मामले की जांच कब पूरी होती है और कब चीजें सामने आती है, तब तक शायद हम सब कुछ तो भूल ही जाएंगे। ये तो रही पुलिस, पॉलिटिक्स, कोर्ट की बातें, अब फैक्ट्स की बातें करते हैं, जो हम लोगों का काम है क्राइम रिपोर्टर के तौर पर। जूनियर डॉक्टर का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के एक पैनल ने किया, इन कैमरा ये पोस्टमार्टम हुआ, क्योंकि मामला थोड़ा कंट्रोवर्शियल है और फिर शक भी हो रहा है कि स्टेट पुलिस हेरफेर कर सकती है, इसलिए CBI को सौंपा गया। तो इन कैमरा ये पोस्टमार्टम हुआ, डॉक्टरों के पैनल ने किया, और उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है। पहले रिपोर्ट और उसके बाद पूरी कहानी। रिपोर्ट में लिखा है कि जूनियर डॉक्टर की दोनों आंखें घायल, मुंह से रिश्ता हुआ खून, घायल होंठ, पूरा चेहरा जख्मी, गर्दन घायल, दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून घायल, जख्मी प्राइवेट पार्ट से बहता खून, बायां पैर जख्मी, पेट घायल, दाहिने पैर की एड़ी जख्मी, दाहिने हाथ की रिंग फिंगर टूटी हुई। ये जख्मों की लिस्ट है। अगर इस लिस्ट की पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार सुना दूं तो कलेजा फट जाएगा, इसलिए उसे रहने दीजिए। अब ये जख्मों की लिस्ट तो आपने सुन ली, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल था कि वो दोनों आंखों से खून क्यों रिस रहा था। तो जब कोलकाता पुलिस के आरोपी संजय रॉय ने इस जूनियर डॉक्टर पर हमला किया, तब जूनियर डॉक्टर स्पेक्स पहना करती थी, चश्मा, और इस जद्दोजहद में चश्मे के दोनों शीशे टूट गए ग्लास, और वही ग्लास उनकी आंखों में चुभ गए, और इसी वजह से दोनों आंखें जख्मी हो गई थी और उनसे खून रिस रहा था, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है। अब एक लोग थे या एक से ज्यादा थे, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो बताएगी नहीं, ये DNA रिपोर्ट के जरिए क्लियर होगा, तो DNA रिपोर्ट का इंतजार कीजिए और तब पता चलेगा। लेकिन एक सवाल जो हर एक के मन में है वो ये कि आखिर संजय रॉय ने इस जूनियर डॉक्टर को अपना निशाना क्यों बनाया, उसने इतनी दरिंदगी क्यों दिखाई, ऐसी हैवानियत क्यों की, क्या वो उस जूनियर डॉक्टर को पहले से जानता था, पीछा करता था, एक तरफा इश्क करता था, क्या था मामला? तो कोलकाता पुलिस ने भी इन सवालों की तफ्तीश की और इसके कुछ जवाब सामने आए, और जवाब तभी आएंगे जब आप पिछले कुछ दिनों के रिकॉर्ड और उस संजय रॉय की पूरी जो रूटीन, उसका कैलेंडर, कब कहां क्या कैसे किया सामने आए। तो कोलकाता पुलिस ने उसकी पूरी कुंडली खंगाली और फिर कहानी जो है 5 अगस्त से शुरू की। संजय रॉय एक वॉलेंटियर है, एक सिविक वॉलेंटियर, जो एक तरह से आप कहें कोलकाता पुलिस के लिए वो लोग काम करने वाले जो पुलिस में है नहीं लेकिन पुलिस की मदद के लिए काम करते हैं, और कोलकाता पुलिस उन्हें हर महीने कुछ पैसा खर्चा भी देती है। तो संजय राय ने सबसे पहले
2019 में, 2019 में कोलकाता पुलिस के आपदा प्रबंधन जो होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट, उसको ज्वाइन किया था एक वॉलंटियर के तौर पर, फिर वहां रहा। बाद में फिर उसको कोलकाता पुलिस ने अपने एक दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया, और वो था एक अलग डिपार्टमेंट, पुलिस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, कि तुम वहां जाओ। फिर वहां कुछ दिन रहा और उसके बाद उसको आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल की जो पुलिस चौकी है वहां उसकी ड्यूटी लगा दी एक वॉलंटियर के तौर पर, कि तुम यहाँ के सारे इंतजाम देखो। तो फिलहाल वो वहीं पुलिस चौकी में एक वॉलंटियर के तौर पर, एक सिविक पुलिस के तौर पर काम कर रहा था, हालांकि वो पुलिस का स्टाफ नहीं था, लेकिन चूंकि वो एक वॉलंटियर था, पुलिस के साथ मेलजोल रखता था, तो पुलिस वालों से अच्छी दोस्ती थी, सीनियर से लेकर जूनियर अफसरों तक को जानता था, और इसी का फायदा भी उठाता था। वो जब अपनी मोटरसाइकिल पर चलता था तो मोटरसाइकिल पर उसने केपी का लोगो लगा रखा था, मतलब केपी कोलकाता पुलिस, केपी यानी कोलकाता पुलिस के, वो टी शर्ट पहनता था उस पर लिखकर, कैप पहनता था कोलकाता पुलिस के, तो बहुत सारे लोग तो उसे पुलिस वाला ही मानते थे, और इसी का वो फायदा उठाता था। अब जब से वो इस आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में के पुलिस चौकी में उसकी तैनाती हुई, तब से उसने एक दूसरा धंधा शुरू किया। वो ऐसे पेशेंट को देखता, मरीजों को जो आते, आपको पता है सरकारी अस्पताल में चूंकि इलाज सस्ता होता है, बेचारे गरीब दूर दूर से आते हैं कि इलाज हो जाए, जान बच जाए, पर ऐसे लोगों को बेड नहीं मिलता, दाखिला नहीं मिलता, तो बहुत सारे दलाल ब्रोकर भी घूमते हैं ऐसे अस्पताल के बाहर, दिल्ली के एम्स के बाहर आपको ऐसे दर्जनों मिलेंगे। तो हर अस्पताल के बाहर की यही कहानी है सरकारी, तो इसे भी पता था। अब ये वहीं पे चूंकि था उस चौकी में, तो इन मरीजों को देखता, ताड़ता, फिर देखता कि इसमें से कौन एडमिट होने वाले हैं, कौन पैसा दे सकता है, और फिर इसकी चूंकि पहुंच थी हॉस्पिटल के अंदर, जान पहचान थी, तो उनको दाखिला दिलाने के नाम पर कहीं से पैसे लेता, ब्रोकर के तौर पर, दलाली के तौर पर, और यही काम किया करता था। 8 अगस्त और 9 अगस्त की यह घटना है, लेकिन इससे पहले संजय राय क्या कर रहा था, तो कहानी शुरू होती है 5 अगस्त से। 5 अगस्त को संजय कोलकाता से दूर जाता है, खड़गपुर में एक जगह है सलवा, उस सलवा में वो पहुंचता है। 5 अगस्त की सुबह निकलता है कोलकाता से और सलवा पहुंचता है खड़गपुर के पास, और वो इसलिए जाता है कि वहां पुलिस वेलफेयर सोसाइटी की एक मीटिंग थी, और उस मीटिंग में तमाम वॉलंटियर भी आए हुए थे। तो 5 अगस्त को ये वहां पहुंचता है, 5 को वहीं रहता है, 6 को वहीं रहता है, 7 को वहीं रहता है। 8 अगस्त की सुबह ये सारी मीटिंग खत्म, उसके बाद अब ये वहां से निकलता है और कोलकाता पहुंचता है। 8 अगस्त को सुबह कोलकाता आने के बाद ये उधर उधर अपना रहता है। अच्छा, चूंकि ये एक वॉलंटियर था, पुलिस से जान पहचान थी, तो ये अक्सर पुलिस के जो बैरक होते हैं, जब बहुत सारे पुलिस वाले ड्यूटी करके थकते हैं तो आके वहाँ आराम करते हैं, सो जाते हैं, तो कई बैरक को भी अपना लेता था, वहाँ बैरक में जाकर सो जाता था। लोग भी जानते थे, यार पुलिस के लिए काम करता है, सो जाओ। तो इस हॉस्पिटल के पास भी एक पुलिस बैरक था, तो ये वहीं सो जाता था। तो उस दिन आया कोलकाता, उसके बाद ये दिन भर इधर उधर भटकता रहा, और जब रात के ठीक 11 बजे तब पहली बार यार जेकर मेडिकल कॉलेज में दाखिल होता है, उसकी बिल्डिंग में वहां पहुंचता है, और पहुंचने के बाद अपने एक पेशेंट जिसको इसने पैसा लेकर दाखिल कराया था, उसका हालचाल पूछने के लिए अस्पताल के अंदर जाता है। रात के 11 बज रहे हैं अभी, तो 11 बजे वो अस्पताल पहुंचा, यहां वो उस मरीज से मिला जिससे उसने दिन में भर्ती करवाया। अस्पताल आने के बाद वो मरीज कहता है, बाकी तो सब ठीक है, एक्सरे नहीं हो रहा अभी तक हमारा, तो कहता चलो एक्सरे कराता हूँ। उस मरीज के साथ कुछ तीमारदार भी थे, वो लोग जाते हैं, उसका एक्सरे होता है, एक्सरे कराने के बाद वो वापस अपने वार्ड में बेड पर लेट जाता है, और संजय राय ये कहकर कि चलो अब ठीक है, कोई परेशानी हो फिर बताना, और वो वहां से वार्ड से निकलता और अस्पताल के कंपाउंड से ही बाहर निकल जाता और चला जाता है। जब वो गया तो रात के करीब 11:30 बज रहे थे, और 11 बजे वो आया था। इसके बाद लगभग 1.5 घंटे तक वो अस्पताल के बाहर रहता है। अब रात के 1 बज जाते हैं, 1 बजे संजय रॉय एक बार फिर से इसी आरजी कर अस्पताल में दाखिल होता है, रात के 1 बजे। अब तारीख 8 से 9 अगस्त हो गई है, क्योंकि 12 बज चुके हैं, तो 8 अगस्त की रात 11 बजे आया, 11:30 निकल गया, और उसके बाद अब 9 अगस्त की रात आ गई, तो वापस वो 1.5 घंटे बाद 1 बजे रात को हॉस्पिटल में दाखिल होता है, हॉस्पिटल में आता है,
और इस बार वो एक दूसरे मरीज को देखने के लिए एक वार्ड में जाता है। इस मरीज को भी उसी ने भर्ती करवाया था और इस मरीज की सर्जरी थी नेक्स्ट डे, यानी कि जिस 9 अगस्त की रात पहुंचा उसी 9 अगस्त के दिन में। तो सर्जरी से पहले, ऑपरेशन से पहले जो सारी तैयारियां होती हैं वो हो रही थी, और ये गया हालचाल पूछने के लिए कि सब ठीक है। थोड़ी देर उसके साथ रहा, फिर उसका एक तीमारदार था, उस तीमारदार जो उस मरीज का रिश्तेदार जिसका ऑपरेशन होना था, वो उसके साथ उस वार्ड से बाहर आता है। और अब ये दोनों उसी आरजेकर हॉस्पिटल की बिल्डिंग के पिछले हिस्से में जाते हैं जहाँ सन्नाटा है, सुनसान है, कोई नहीं है। पिछले हिस्से में जाने के बाद दोनों एक पत्थर जैसा एक टेबल सा बना हुआ था या टीला टाइप जो भी कहें, वहां दोनों बैठ जाते हैं और वहां बैठकर अब दोनों शराब पीते हैं। लगभग रात के 1:30-2 बजे थे जब इन्होंने शराब पीनी शुरू की, घंटा भर शराब पीते हैं। इसके बाद अब उस तीमारदार को अपने घर लौटना था, वहीं कहीं आसपास में ठहरा हुआ था। तो वो कहता मैं जा रहा हूं, तो कहता ठीक है तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए उबर बाइक कर देता हूं। वो उसके लिए पैसे भी देता है, और पैसे देने के बाद जब उबर बाइक बुक हो जाती है तो कहता तुम जाओ। अब वो तीमारदार शराब पीकर उसके साथ हॉस्पिटल के बिल्डिंग के बाहर चला जाता है। अब संजय रॉय अकेला है, रात के लगभग अब 3 बज चुके हैं। 3 बजने के बाद अब वो सोचता है कि कहाँ जाऊं, फिर उसे लगता है कि चलो कहीं आराम करते हैं। इसके बाद वो बिल्डिंग के पीछे से निकलता है, मेन बिल्डिंग में दाखिल होता है और अस्पताल की तीसरी मंजिल थर्ड फ्लोर पर पहुंच जाता है। कल मैंने फोर्थ फ्लोर गलती से कहा था, थर्ड फ्लोर पर पहुंचता है। ये चेस्ट डिपार्टमेंट का फ्लोर था और इसी फ्लोर पर एक सेमिनार हॉल था जिसमें करीब 40 कुर्सियां लगी हुई थी। हॉस्पिटल के छोटे मोटे जो फंक्शन सेमिनार लेक्चर होते उसी में होते थे। तब ये करीब रात के 3:15 बज रहे होंगे, ये 3:15 से 3:30 के दरमियान की बात है। ये पहुंचता है सेमिनार हॉल में, थर्ड फ्लोर पे सन्नाटा, उस वक्त कोई नहीं। इसे लगा कि थोड़ा नशे में ज्यादा है, चलो चल के थोड़ी देर कुर्सी पे सुस्ता लेते हैं। सेमिनार हॉल का दरवाजा खोलता है, धक्का देता है, वो खुला ही रहता है। अंदर दाखिल होता है, अंदर रोशनी थी, लाइट जल रही थी। इसकी नज़र सामने एक कुर्सी पर बैठी हुई एक डॉक्टर पर पड़ती है। ये वही जूनियर डॉक्टर थी, आंखें बंद थी, वो लगभग लग रहा था थोड़ी देर आराम करने के लिए आई, सोने के लिए आई क्योंकि नाइट शिफ्ट थी। और यहीं उस जूनियर डॉक्टर को देखकर शराब के नशे में संजय राय की नीयत खराब हो जाती है। अब इधर इससे पहले दूसरी कहानी यह है कि जूनियर डॉक्टर इधर लगातार कई दिनों से नाइट शिफ्ट में थी, चेस्ट डिपार्टमेंट में, इसी आरजेकर हॉस्पिटल की। वो अपनी ड्यूटी निभा रही होती है, तमाम पेशेंट को अटेंड कर लेती है। रात के 2 बज जाते हैं, जब 2 बजते हैं तो उसे वक्त मिलता है अपने 4 और जूनियर दोस्त जो उसके कलीग थे, जो उसी पीजी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे, उनके साथ ये कैंटीन में जाती है अस्पताल के, वहाँ खाना खाती है। खाना खाने के बाद बाकी चारों डॉक्टरों की शिफ्ट थी और मरीज थे, लेकिन इस जूनियर डॉक्टर को अभी फिलहाल लग रहा था कि वो फ्री है, किसी पेशेंट को देखने की अभी मतलब इतनी जल्दी नहीं थी। तो उसने कहा चलो आधा घंटा आराम कर लेते हैं। तो चारों कलीग चले गए। अब ये उसी थर्ड फ्लोर पे, चूंकि वहाँ सबको पता है कि ये एक सेमिनार हॉल है, यहाँ कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, आप आराम से बैठ सकते हो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो वो उसमें करीब 3 बजे सुबह, रात की देर रात 3 बजे उस सेमिनार हॉल में दाखिल हुई और एक कुर्सी पर बैठ गई, आंखें बंद कर ली, शायद नींद में नींद आ गई उसे। और इसी दौरान इधर दूसरी तरफ 3:15 बजे संजय राय उसके अंदर दाखिल होता है। दाखिल होने के बाद वो देखता है नीयत खराब होती है और अब वो जूनियर डॉक्टर के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन जूनियर डॉक्टर की जो कदकाठी थी वो ऐसा नहीं था कि बहुत आसानी से काबू पा लेता। अचानक जूनियर डॉक्टर के ऊपर जब हमला होता है वो पूरी तरह से पूरे दमखम से लड़ती है, जद्दोजहद करती है, और इसी में उसके तमाम जो जख्म आते हैं, चेहरे पर खरोचे आती हैं, वो मारता है, होठ फट जाते हैं, धक्का मुक्की होती है, चश्मे पे हाथ पड़ता है, शीशा टूटता, आंखों में धंस जाता है, वो मुंह दबाता है ताकि शोर न मचाए, कोई बाहर ना सुन ले,
तो मुंह दबाने की वजह से भी जख्मी, फिर गले पे हाथ रखता है कंट्रोल काबू करने के लिए, उसे पता ही नहीं है कि गला दब रहा है या दब चुका है या जिंदा भी है कि नहीं। तो वो कोशिश करता है और वो लगातार उससे जूझती है, जद्दोजहद करती है, लेकिन कब तक? अब इतने सारे जख्म हो चुके थे, खून रिस रहा था, वो लड़ रही थी, दर्द बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन आखिरकार जब तक वो होश में थी लड़ती रही, खुद की आबरू बचाती रही, लेकिन दर्द और जख्म बहुत ज़्यादा थे। धीरे धीरे वो अपना होश खो बैठी, शायद नींद बेहोशी में चली गई, और वहीं उस संजय राय को मौका मिला। अब ये अभी तक पता नहीं है, क्योंकि जो जख्म के निशान मिले हैं वो एंटीमार्टम है, यानी कि मरने से पहले के हैं। लेकिन इसके बाद जो कुछ उसने किया वो क्या जिंदा रहते किया या मौत के बाद किया, ये बड़ा नाजुक सवाल है, और अभी इस पर क्लियर शायद ही डॉक्टर बता पाए। डिटेल जब इन्वेस्टिगेशन होगी तब बता पाएंगे। तो खैर, ये सब कुछ करने के बाद करीब 40 मिनट तक वो इस सेमिनार हॉल में रहा, और ये 40 मिनट तक सब कुछ हुआ। 40 मिनट के बाद वो उसी सेमिनार हॉल के एग्जिट गेट से बाहर निकलता है, बाहर निकलकर हॉस्पिटल के बाहर आता है, और कमाल ये कि वहाँ से कहीं इधर उधर नहीं भागता है, उसी हॉस्पिटल के करीब कोलकाता पुलिस के उसी बैरक में जाता है जहाँ वो अक्सर रहा करता था, और उसी बैरक में जाकर बेफिक्र सो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अब उधर सो रहा है, इधर सुबह हुई 8:30 बजे, स्टाफ ने देखा सेमिनार हॉल में एक बॉडी, पूरे अस्पताल में कोहराम मच गया, हंगामा मच गया। कोलकाता पुलिस पहुंची, मौके पर लाश थी, जूनियर डॉक्टर के लैपटॉप, मोबाइल और साथ में एक नेक बैंड ब्लूटूथ। जितने भी उसके कुलीग थे डॉक्टर, उन सबके साथ उस ब्लूटूथ को कनेक्ट करने की कोशिश की गई, हुआ नहीं। इस बीच में एक टीम ने जब सीसीटीवी कैमरों को खंगाला उस सेमिनार हॉल के एंट्री और एग्जिट को, तब उसमें एक शख्स आता हुआ दिखाई दिया जिसके गले में नेक बैंड ब्लूटूथ था, और फिर जाता हुआ। जो सीसीटीवी कैमरा था वो ये दिखा रहा था कि सेमिनार हॉल से संजय रॉय 4:37 पर निकला हॉस्पिटल के बाहर। हॉस्पिटल के गेट पे भी कैमरा था, वहां दिखाया 4:37 पर निकला है, और सेमिनार हॉल से जो वो निकला है वो टाइम था 4:35, 2 मिनट उसे बाहर तक जाने में लगा। तो अब लोगों ने पहचान लिया कि भैया ये तो यही आरजी कर रहा, हॉस्पिटल की चौकी में ही एक वॉलंटियर की तरह काम करता है कोलकाता पुलिस के लिए। तो पुलिस को फिर पता करने में मुश्किल नहीं हुआ कि वो रहता कहाँ है। पता चला कि बैरक में सोता है, पुलिस की टीम बैरक में पहुंची, वो उसे सोता हुआ मिला, उसे उठाकर लाई। पूछताछ से पहले उन्हीं में से एक पुलिस वालों ने उसका मोबाइल लिया, और जो लाश के पास से जो नेक बैंड ब्लूटूथ मिला था उससे कनेक्ट किया, एक ही बार में कनेक्ट हो गया। सबूत अपने आप गवाही दे रहा था कि मौके से मिला ब्लूटूथ इसी के फोन का है। आधा मसला हल हो गया था, बाकी पूछताछ हुई। फिर उस बैरक की पुलिस ने तलाशी ली। जब बैरक की तलाशी ली तो देखा कि इसने जो रात को कपड़े पहने थे वो सब धुले हुए हैं, हर चीज उसने धो दिया था। फिर उसके जूते पुलिस ने चेक किए, जूते के शोर में कुछ खून के धब्बे थे जो शायद उसकी नजर नहीं पड़ी या वो फिर लापरवाह हो गया था, और वो निशान मिले, और वो निशान भी इस बात की गवाही थे कि ये मौके पर था। तो उस जूते को भी कब्जे में ले लिया गया, फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। अब कोलकाता पुलिस के हिसाब से तो ये मामला ओपन एंड शट केस हो गया है, लेकिन लोग सवाल ये कर रहे हैं कि क्या एक संजय राय अकेला उस जूनियर डॉक्टर पर काबू पा सकता था, ये साथ में और लोग हैं। अब ये डीएनए रिपोर्ट के बाद क्लियर होगा, क्योंकि जूनियर डॉक्टर और संजय राय दोनों के डीएनए सैंपल लैब में गए हैं। अगर इन दोनों के अलावा कोई और सैंपल मिलता है जूनियर डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से, तो फिर इसका मतलब है कि इन दोनों, संजय के अलावा कोई और भी शामिल हो सकता है। लेकिन अब कोलकाता पुलिस इस केस को आगे तार करेगी नहीं, अब सीबीआई क्या करेगी इस केस का, कब तक रिपोर्ट आएगी, कैसे जांच होगी, इंसाफ मिलेगा जूनियर डॉक्टर के घर वालों को, पता नहीं। लेकिन उम्मीद या दुआ यही है कि बिल्कुल
जूनियर डॉक्टर के घर वालों को इंसाफ मिले और ऐसे हैवानों को या हैवान को कम से कम मौत की सजा मिले। लेकिन फिर पलट कर देखता हूँ तो आरुषि केस आज भी मालूम नहीं आरुषि और हेमराज का कातिल कौन है। निठारी केस 21 या 23 बच्चों को मार दिया गया पर सुरेंद्र कोहली और उस घर के मालिक मुरिंदर सिंह पंढेर फांसी तक की सजा हुई पर बरी कर दिया गया हालांकि जेल में, लेकिन कोर्ट में अभी तक कुछ नहीं हुआ। रिजवान केस कुछ नहीं हुआ। सुशांत सिंह राजपूत केस 4 साल हो गए कुछ नहीं हुआ और पता नहीं कितने केस, पता नहीं इस केस का क्या हश होगा। लेकिन उम्मीद और दुआ यह है कि ये जल्द से जल्द हल हो जाए। तो क्राइम कहानी विश्रम्स में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले संडे को किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।